एक्सरसाइज 10 है जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है राइटिंग ए ट्रायंगल की। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ए को लेते हैं, जो एक ट्रायंगल है जिसमें हमें ए साइड मालूम करनी है। ये हमारा ए आ गया, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे हम ट्रायंगल को नाम देते हैं। नाम देते वक्त हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जो ए के सामने वाली एंगल होती है, ठीक है, तो उसको पहले हमने नाम देना है। यहाँ पे ए के नाम सामने वाली, ठीक है, तो ये ए है, जो वैल्यू जो हमसे पूछ रहा है, ये वैल्यू ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो उसके सामने वाले एंगल का नाम हम पहले देंगे, फिर उसके हिसाब से जो है ना ये बाकी की नाम भी देखेंगे। तो इस तरह से ये ट्रायंगल हमारा बन गया ए बी सी, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए की, ठीक है। तो ए हमारे पास जो एंगल है उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम इजीली पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से वैल्यू इजीली फाइंड हो जाए। पैथागोरस थ्योरम हमें बोलता है, कहता है कि भाई हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बराबर होता है उसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। तो वो यहाँ पे हमें डेटा मिल गई, BC हमारा जो है वो हाइपोटेन्यूज है और AB हमारा बेस है, और इस तरह से AC हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इस ये वाला जो थ्योरम है हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पुट द साइड वैल्यू ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अभी ए स्क्वायर हमारा बराबर है ए बी के, और ए बी हमारी है 21 सेंटीमीटर के, और इसी तरह से ए सी स्क्वायर है हमारी 20 सेंटीमीटर से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये ए स्क्वायर और 21 का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये 441 होगा। यहाँ पर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करके ये वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी तरह से 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 400 आएगा। अभी हम इसको ऐड करते हैं, 441 प्लस 400 को, तो ये 841 आएगा। तो हमें अभी ए का स्क्वायर मालूम करने के लिए अभी ए को उस तरफ, तो उस तरफ हमें इसको स्क्वायर रूट देना पड़ेगा। स्क्वायर रूट देंगे तो इस हमें ए की वैल्यू मिलेगी। तो इसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर की मदद से निकालें, जो कि होगा 29 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने ट्रायंगल की जो वैल्यू मिली वो क्या हुई, 29 सेंटीमीटर।